मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में अब सब्जी मार्केट को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी मार्केट बंद तो कभी खोलने की बात सामने आ रही है, मगर कोरोना का मरीज मुमरा में मिलने से सनसनी फैल गई है और अब मनपा ने सब्जी मार्केट को लेकर लोगों से आह्वान किया है कि दूरी बनाकर रखें। कहां कहां सब्जी की दुकानें अब लगेंगी और कौन सी मार्केट बंद रहेगी, और टीएमसी के अधिकारी मनीष जोशी और धनंजय गोसावी ने सब्जी मार्केट को लेकर क्या जानकारी दी है, सुनिए। जैसे कि आपको पता है कि अपने मुमरा प्रभाग समिति की पहली COVID-19 पॉजिटिव केस ये विघ्नहर्ता बिल्डिंग जो कि मेरे पीछे ही है वहाँ हुई। ये जो पेशेंट है ये अब सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा। लेकिन मुझे आपके माध्यम से सब मुमरा वासियों को एक अपील करनी है कि जैसे कल रात को हमारे मंत्री महोदय और स्थानीय कामदार रावण साहब ने भी एक अपील करी कि भाई अब तो समझ लीजिए, अगर हमें इस बीमारी का हमें मुकाबला करना है तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो फॉलो करनी है वो है सोशल डिस्टेंस। दूसरा जो हमने फॉलो करना है वो सबने मुंह पे मास्क लगाना है, मुंह को ढकना है, और तीसरा जो है कंटिन्यूसली हमें अपना हाथ धोते रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सैनिटाइजर लगाते रहिए, सिर्फ बहते पानी में साबुन से हमें अपना हाथ धोना है। ये अगर हम तीन चीज करें तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस बीमारी का जोरदार टक्कर हम दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, आप अगर सुबह आए 8 बजे तो कुछ ऐसे मार्केट हैं जहाँ की इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का जो नियम हो रखा है वो हमारे मुमरा के लिए है ही नहीं। खासकर तीन मार्केट जो हैं, मुमरा बाज़ार मार्केट, दरगाह रोड चांदनी मार्केट और कौसा गांव का मार्केट, ये तीनों मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो रास्ते पे हैं और ये रास्ता है बहुत ही नैरो अरुंद रास्ता है। साथ साथ दोनों साइड में फेरी वाले हैं और ऐसा लगता है कि मुमरा के सारे लोगों को ये तीनों मार्केट इतने पसंद आते हैं कि सबके सब यहीं आ जाते हैं। सो ऐसा हो जाता है कि एट अ टाइम देर आर अबाउट 2000 to 2500 पीपल कंधे से कंधा, सोशल डिस्टेंस तो छोड़ दीजिए, मुंह पे मास्क नहीं कुछ नहीं, शॉपिंग करने आ रहे, सब्जी लेने आ रहे। कोई आदमी सुबह वॉकिंग करने के लिए आता है, मॉर्निंग वॉक के लिए आता है और सब्जी के लिए आ जाता है, इतनी भीड़ हो गई है। इसीलिए पीएमसी ने और यहाँ के लोक प्रतिनिधि, यहाँ के सम्माननीय मंत्री महोदय, मेरे साथ शानू पठान भी यहाँ खड़े हैं, उनके इलाके में हम अभी खड़े हैं, उन्होंने पहल की कि ये जो दरगाह रोग का मार्केट है साहब वो पहले बंद किए। लेकिन हमने मार्केट बंद किया लेकिन लोगों को पर्याय भी दिया, ऐसे नहीं किया कि मार्केट बंद कर दिया अब सब खत्म, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग सब्जियां भी खरीदें और जो फेरी वाले उनका भी थोड़ा बहुत धंधा हो। इसीलिए हमने 6 जगह डिसेंट्रलाइज मार्केट खोल दिए जो कि बड़े मैदानों में है, वहाँ आसानी से आप सोशल डिस्टेंस फॉलो कर सकते हैं। और इस मार्केट में आप प्लीज़ सब्जी खरीदने आइए, क्योंकि यहाँ आप आएंगे तो सेफली आप सब्जी खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आपको भीड़ करनी है तो उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं नाम गिनता हूँ, मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने 2 जगह हमने खोल दिया है, एक तो रिक्शा स्टैंड है और दूसरा पार्किंग का स्टैंड है। फिर शिवाजी नगर मैदान में शानू ने खुद एक बढ़िया सा बड़े मैदान में 2 एकड़ के मैदान में बढ़िया से स्टॉल लगाए, ऐसे स्टॉल तो आपको कहीं दिखेंगे भी नहीं। फिर घास वाला मैदान है जो कि टीएमसी का मैदान है, जिसको कि पूरा कंपाउंड वॉल बनी हुई है, वहाँ हमने एक मार्केट खोल दिया है। मित्तल कितना एकड़ है? 5 एकड़। वहाँ हमने मैदान खोल दिया है। और एट द सेम टाइम जो हमारा स्टेडियम है जिसके लिए हमारे मंत्री महोदय ने इतनी मेहनत करी, उस स्टेडियम के सामने चौड़ा डिवाइडर है, वहाँ भी हमने मार्केट खोल दी। तो मेरी आप लोगों से, टीएमसी प्रशासन, मेरे सब स्थानिक नगर सेवक, इनके पति से मैं आपको एक आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ ये जो 6 जगह है सिर्फ यही जाइए आप सब्जी खरीदने के लिए, यही जाइए आप फल खरीदने के लिए। और ये जो 3 मार्केट हमने बंद कर दिए हैं, जब तक इस बीमारी का संकट हमारे शहर के ऊपर है ये 3ों मार्केट बंद रहेंगे। देखिए
सुरक्षित रहे तो पूरा अपने पास समय है काम करने का, लेकिन ऐसे अननेसेसरी रिस्क लेंगे, दिन भर घूमते रहेंगे, मुंह पे मास्क नहीं लगाएंगे, हाथ हम ठीक से धोएंगे नहीं, तो फिर हम इस बीमारी का कैसा। एक चीज हमें मुझे बतानी है, मेरे ख्याल से ये बात मेरे उपनगर अभियंता गोसावी साहब अच्छे से बताएंगे। गोसावी साहब आप बताइए। एक तारीख को सभी मार्केट वाली की मीटिंग बुलाई थी अपने सीनियर पे के ऑफिस में, तब ऐसा फाइनल किया था कि जो मेन मार्केट है उसमें जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन पा नहीं रहा। कई मार्केट वाले जो नेता लोग हैं, जो यूनियन है, वो लोग बोले थे कि हम थैली में मार्केट थैली में या डोर टू डोर सब्जियां डोर टू डोर हम दे देंगे। तो हमने बोला था तुम डोर टू डोर सब्जियां दे देंगे और जो तुम्हारे बचे हुए जो भाजी विक्रेते हैं उनको अपन एक 52 पॉइंट्स जो हमारे साहब ने बोला था वो उसमें से एक 17-18 पॉइंट अपन मार्क कर दिए। तो दो दिन का एक्सपीरियंस ऐसा आ गया कि उधर वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब उनको यही मार्केट में माल बेचने के, तो ये मार्केट में भीड़ बहुत हो रही है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए ये मुमरा का सभी मार्केट बंद करो मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं 15 दिन कुछ नहीं भाजी मिलेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बंद करो नहीं तो ये कंट्रोल रूम में आने वाला नहीं है, मेरी सीधी बात है। क्योंकि हम सवेरे 6 बजे से इधर का उठाया, हम आगे गए तो पीछे बैठ जाते हैं, पीछे का उठाया तो आगे बैठ जाते हैं, ये सिस्टम नहीं है। इसके लिए पूरा मेरा तो ये है, फिर भी अपन इंसान के नाते से एक जो जिधर अपन पर्याय किया है, शानू भाई ने एक किया है, ये किया है, और एक मित्तल में चले जाओ ना, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा और बंद करने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर तो जाने का नहीं लोगों को, पर इधर जिधर बोल रहे हैं उधर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए उधर मार्केट नहीं भरने का। अभी मैं कमीशन साहब से भी बोला, तुम्हारे सामने सभी लोग थे कि साहब पहला मार्केट बंद, और उन्होंने मेरे को मंजूरी दिए ये बंद कर दो मार्केट। तो कल से 3 मार्केट कौन कौन सी है जो बंद रहेंगे? दो स्टेशन कौसा और ये दरगाह रोड, तुम डिक्लेयर कर दो और इसमें भी सुधार नहीं आएगा तो कौसा सब बंद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।